वो जॉब जॉब्स एंड करियर में मैं आपको स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे इमिग्रेशन माइग्रेशन के ऊपर, कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा कि दुबई से एक फ्लाइट जो 305 इंडियंस को लेकर निकारागुआ जा रहा था, जो फ्रांस में उनको रिफ्यूलिंग के लिए पेट्रोल भरने के लिए फ्लाइट को उतारना पड़ा और वहाँ पर फ्रेंच ऑथोरिटीज उनको चेक किया और कोई गवर्नमेंट से कुछ टिप मिला होगा, इसलिए उस फ्लाइट में जितने सारे लोगों को इंक्वायरी किया गया। देन अभी उन लोगों को मुंबई दोबारा भेज दिया गया। तो ये निकारागुआ क्यों जा रहे थे, आपको मालूम रहेगा कि ये जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं टू अमेरिका वाया निकारागुआ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, तो इसीलिए मुझे काफ़ी सारे मेल आता था कि निकारागुआ जाना है, निकारागुआ वीज़ा लेना है। तो ये मुझे काफ़ी सारे मेल्स आता था पहला। तो मैं तो कोई वीज़ा का कुछ भी काम नहीं करता हूँ कोई भी कंट्री का, तो मैं आपको एडवाइस फ्री में देता हूँ कि आप लीगली कैसे आप एक कंट्री को आप माइग्रेट कर सकते हो। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा वेबसाइट जो www.ujobs.com ये साइट में आप जाकर माइग्रेशन और इमिग्रेशन स्टडी अब्रॉड, माइग्रेशन इमिग्रेशन मतलब है आप इंडिया से अलग अलग देश को कैसे जाकर रहोगे, बिजनेस करोगे, उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको कहा जाता है माइग्रेशन और इमिग्रेशन। और स्टडी अब्रॉड फॉरेन कंट्री में और इंडिया में कैसे पढ़ाई करोगे, एडमिशन कैसे लोगे, जॉब्स इन अब्रॉड फॉरेन कंट्री में कैसे नौकरी मिलेगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर बहुत सारे न्यूज आता है। अगर आपको ये इंग्लिश का साइट है, ujobs.com एक इंग्लिश का साइट है, लेकिन आपको अगर इंग्लिश नहीं आता है, आपको हिंदी आता है या उर्दू आता है, तो आप ये साइट में खोलिए, कंप्यूटर लैपटॉप में खोलिए, टॉप राइट में ट्रांसलेशन का ऑप्शन है, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑप्शन में आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। आप इंग्लिश को पंजाबी में पढ़ सकते हो, इंग्लिश को गुजराती में पढ़ सकते हो, इंग्लिश को उर्दू में पढ़ सकते हो, ये इंग्लिश को आप हिंदी में पढ़ सकते हो। दुनिया में 200 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन आप जाना चाहते हो तो आप हमारा वेबसाइट www.ujobs.com में पढ़ सकते हो। हमारा कंपनी में करीब 50 के अबव लोग इसको हर दिन काम करते हैं वर्ल्ड वाइड, पूरा पृथ्वी में, वर्ल्ड में जितने सारे कंट्री का इन्फॉर्मेशन है हम लोग पब्लिश करते रहते हैं। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप पाना चाहते हो हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, पंजाबी में, गुजराती में, मराठी में, वर्ल्ड में जितने सारे लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो हमारा साइट ujobs.com। तो निकारागुआ जो जा रहे थे तो कोई एजेंट उनको दुबई से एक चार्टर्ड फ्लाइट हायर किया, रोमानिया का कोई फ्लाइट का चार्टर फ्लाइट कंपनी है उसका पूरा फ्लाइट को हायर किया गया और पूरे लोगों को भेजा गया टू निकारागुआ। निकारागुआ का जो एयर डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 घंटा, साउथ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, तो इतना घंटा फ्लाइट उड़ेगा तो उसको रिफ्यूलिंग तो चाहिए ना, पेट्रोल भी चाहिए। तो इसीलिए फ्रांस में पेरिस से 150 किलोमीटर दूर कोई एयरपोर्ट में उतारा गया और रिफ्यूलिंग के लिए उतारा गया। तो हो सकता है किसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस को टिप दिया होगा ऐसा हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है। तो फिर फ्रेंच ऑथोरिटीज उसको चेक किया, फिर उन लोगों को उनको पूछा गया, इंक्वायरीज किया गया, दो दिन वो लोग रहा, फिर मुंबई भेज दिया गया। तो ये आपको पता डिटेल मैं आपको वीडियोज में बताते रहता हूँ। जो डंकी कहा जाता है, डंकी करते हैं डंकी, तो डंकी रूट जो होता है, डंकी रूट या इंग्लिश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है, ये काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी डेंजर है। तो निकारागुआ एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, तो निकारागुआ से अमेरिका जाना काफ़ी डिफिकल्ट है, असंभव है, क्योंकि निकारागुआ के ऊपर है। निकारागुआ टू अमेरिका जाने के लिए जो रूट है, निकारागुआ उसके बाद हंडुरास आता, बेलीजे, ग्वाटामेला, मेक्सिको, अमेरिका, ठीक है। तो मेक्सिको सेफ कंट्री है, ओके है, लेकिन निकारागुआ मेक्सिको के बीच में तीन कंट्री आता है, ठीक है, लेफ्ट राइट में, ठीक है, वेस्ट ईस्ट में
तीन कंट्री आते हैं, ग्वाटामेला, बेलीज एंड होंडुरास। होंडुरास जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा क्राइम होता है वहाँ पर, ठीक है, हर एक मिनट में एक आदमी वहाँ मर्डर होता है इन होंडुरास। और वहाँ का काफ़ी सारे डेंजरस जंगल है वहाँ पर, होंडुरास, निकारागुआ, होंडुरास, बेलीज एंड ग्वाटामेला जो एरिया है ना, काफ़ी डेंजर पहाड़ी है, डेंजर जंगल है। और उस जंगल में काफ़ी पॉइजनस स्नैक्स, सांप मिलता है जो डसने में आदमी एक घंटा में मर जाता है, ठीक है, सबसे डेंजरस स्नैक्स मिलता है इस एरिया में, और काफ़ी डेंजर है। और यहाँ पर बहुत सारे आपको लुटेरे मिलेंगे, लूट लेते हैं और रेप करते हैं, पैसा, मतलब बहुत प्रॉब्लम रूट है ये। तो इसीलिए आप लोग जो ये रूट पकड़ते हो, डंकी रूट पकड़ते हो निकारागुआ टू अमेरिका, ये इजी नहीं है, इसमें काफ़ी सारे लोग मर जाते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लोग को ह्यूमन ट्रैफिकर के द्वारा मर जाते हैं, सांप को काटने से मर जाते हैं, क्योंकि आपको सांप काटा, आपको कोई जंगल के अंदर कोई बचाने वाला नहीं है, आपके साथ जो लोग जा रहे हैं आपको छोड़ के चले जाएंगे, फिर आपको आपका जो बॉडी को कोई जानवर खा लेगा या कुछ भी हो सकता है, बहुत लोग मरते हैं सालों में। तो ये फिर जाने के बाद आप मेक्सिको पहुंच जाओगे, मेक्सिको से जाने के बाद फिर आप अमेरिका का बॉर्डर आएगा, फिर वहाँ पर बॉर्डर का वॉल है, तो ये बॉर्डर वॉल को कूद के जाना भी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो ये काफ़ी जो रूट है काफ़ी डेंजरस रूट है, तो इसलिए आप ये अमेरिका जाने का जो ड्रीम है आपका, ऐसा मत करिए। तो मैंने सुना है कि ये जो डंकी रूट है अमेरिका जाने के लिए, तो 40 लाख 50 लाख आप दे के जा रहे हो, 40 लाख 50 लाख दे के जा रहे हो, तो ये पैसा आप जहाँ से भी लेते हो तो ठीक है, आप ज़मीन बेचते हो या कहीं से लेते हो, अगर आप रास्ते में मर जाते हो तो क्या है, लाइफ का कुछ वैल्यू है कि नहीं, आपका फैमिली के लिए, आपका खुद का लाइफ है, तो लाइफ को डेंजर में मत डालिए। अगर आपके पास इतना पैसा खर्चा करते हो, कर सकते हो, तो मैं जो आपको बताते रहता हूँ, कोई भी कंट्री आप जो अगर जाते हो, अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप 10-15 लाख रुपया खर्चा करके आप कोई थर्ड कंट्री में खुद का कंपनी बनाइए, वीज़ा लेकर कुछ महीने के बाद लीगली अमेरिका जा सकते हो, कनाडा जा सकते हो। अगर आपके पास 10th 12th का एजुकेशन है तो इतना पैसा, अगर आधा पैसा खर्चा करोगे तो स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा, तो आप जा सकते हो कोई भी कंट्री जाकर, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्री, स्टूडेंट वीज़ा में जाकर, आप स्टूडेंट वीज़ा पढ़ के लैंग्वेज वीज़ा में जाकर लैंग्वेज पढ़िए, फिर थोड़ा दिन में आप नौकरी मिलने के बाद आप वीज़ा भी चेंज हो सकता है। तो ये था मेरा डिटेल्स आपको। तो आप अगर ये जो रूट है डंकी रूट है ये मत फॉलो करिए, उसमें क्या होता है, आपका लाइफ भी डेंजर होता है, आपका लाइफ भी डेंजर में है, आपका फैमिली का भी टेंशन रहता है, और उसमें क्या होता है, इंडिया का नाम खराब होता है, ठीक है। ये जो 300 लोग वापस आया, इंडिया का पूरा वर्ल्ड में इंडियन का नाम खराब होता है, तो फिर क्या होता है, दूसरे लोगों को वीज़ा नहीं मिलता है, जो जेन्युइन ट्रैवलर्स है उनको वीज़ा नहीं मिलता है। अभी मैंने यूरोप में मैंने सुना ऐसा, इंडियन लोगों को चेक करो, इंडियन लोगों को वीज़ा मत दो, ठीक है। ऑलरेडी पाकिस्तानी लोगों को, बांग्लादेशी लोगों को बहुत सारे कंट्री बैन किया है, वीज़ा नहीं देता है। अभी अगर आप ऐसे करोगे तो इंडियन लोगों को भी वीज़ा नहीं मिलेगा। इंडिया अभी वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकनमी बन चुका है, ठीक है। मेरा बात ध्यान से देखिए, आज से 30 साल पहले 1990 अगर आप मेरे एज का रहोगे तो 1990 से पहले चाइना एक था, गरीब कंट्री, चाइनीज लोगों को कोई वीज़ा नहीं देता था, ठीक है, चाइनीज लोगों को कोई वीज़ा नहीं देता था, चाइना था वन ऑफ ए पोरेस्ट कंट्री, नौकरी नहीं था लोगों के पास, पैसा नहीं था, तो चाइनीज लोग को वीज़ा नहीं देता था। फिर चाइनीज लोग जो है खुद मेहनत किया, अपने देश में नौकरी किया, काम किया, फैक्ट्री में काम किया, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया, तो चाइना अभी वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट इकोनमी है, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनमी है, फर्स्ट है अमेरिका, सेकंड में चाइना है। अभी चाइनीज लोगों को देखिए, वर्ल्ड में सब लोग उनको बुलाते हैं, आइए हमारे देश में, वीज़ा उनको दे देता है, ठीक है, बहुत सारे कंट्री वीज़ा फ्री कर दिया चाइनीज लोगों को। तो इसलिए देश से भागना ज़रूरी नहीं है, देश में काम करिए, अगर आपके पास आपको कोई देश जाकर काम करना है, लीगल तरीका में जाइए, खुद का बिजनेस, इतना 40-50 लाख खर्चा करते हो तो पैसा में कोई छोटा देश जाइए, अफ्रीका में कोई कंट्री जाइए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करिए, बिजनेस करिए, आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। लेकिन ये जो इजी रूट आप अपनाते हो ये काफ़ी डेंजर है, और आपके लिए, आपका परिवार के लिए सेफ नहीं है,
ये मत करिए। और कुछ न्यूज़ है जैसे कि कोसोवो, कोसोवो हो गया, सर्बिया, कोसोवो, अल्बेनिया, मैसेडोनिया जो यूगोस्लावियन कंट्री थे, एक्स यूगोस्लावियन कंट्रीज थे, बाल्कन कंट्रीज कहा जाता है, जो अल्बेनिया, कोसोवो एंड आपका जो सर्बिया देन मैसेडोनिया जो कंट्रीज है, ये कंट्रीज यूगोस्लाविया एक देश था जो वार के वजह से, यूगोस्लावियन वार जो चला था 1997-1999 के अंदर, तो यूगोस्लाविया टूट गया, तो ये सब कंट्री निकला, ये सब कंट्री बन गया। तो ये कंट्री को अभी 2025-26 तक मिल जाएगा, यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप मिल जाएगा। अल्बेनिया हो गया, कोसोवो हो गया। तो कुछ बांग्लादेश के लोगों के लिए मैं बताऊंगा, बांग्लादेश के जो लोग हैं, कोसोवो का एम्बेसी है बांग्लादेश में, ठीक है। कोसोवो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया है, इस्लामिक कंट्री है, यूरोपियन यूनियन वो छोटा देश है, बहुत अच्छा देश है कोसोवो, मैं जा चुका हूँ कोसोवो में। कोसोवो में काफ़ी सारे करीब 30 कंट्री का एम्बेसीज है, यूके का है, यूएस का है, जर्मनी का है, बहुत सारे कंट्री का एम्बेसीज है। तो अगर आपको बांग्लादेश के लोगों के लिए बोल रहा हूँ, तो अगर आपको कोसोवो में जाना है तो कोसोवो इजीली बांग्लादेश लोगों को वीज़ा देता है, तो कोसोवो जाइए। कोसोवो में यूनिवर्सिटी में पढ़िए, लैंग्वेज कोसोवो का लैंग्वेज पढ़िए, या एग्जांपल आपको जर्मनी जाना है तो कोसोवो में जाकर जर्मन लैंग्वेज सीखिए। फिर कोसोवो 2025-26 तक कोसोवो को मिल रहा है, यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप मिलता है। कोसोवो में अगर आप रहोगे, रेसिडेंसी वीज़ा में रहोगे या स्टूडेंट वीज़ा में रहोगे, तो कोसोवो को जैसे ही मिलेगा मेंबरशिप मिलेगा, यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप मिलेगा, तब आप इजीली कोसोवो में सेटल हो सकते हो या कोसोवो से यूरोपियन यूनियन जा सकते हो। तो स्पेशली अच्छा रहेगा पाकिस्तानी सिटीजन के लिए एंड आपका जो बांग्लादेश सिटीजन के लिए, क्योंकि कोसोवो एक कंट्री है जो कि इस्लामिक कंट्री है और ये इजीली पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के सिटीजन को वीज़ा देता है। कोसोवो का जो कंट्री का गवर्नमेंट को इंडियन गवर्नमेंट अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, कोसोवो इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कोसोवो में, कोसोवो का एम्बेसी अभी तक दिल्ली में, न्यू दिल्ली में नहीं है। तो जो इंडियंस कोसोवो जाना चाहते हो तो आपको अल्बेनिया जाना पड़ेगा, अल्बेनिया टू या सर्बिया जाना पड़ेगा, फिर वहीं से कोसोवो का वीज़ा लेके आपको कोसोवो जाना पड़ेगा। तो बांग्लादेश पाकिस्तान के नेशनल के लिए ईजी रहेगा कोसोवो, अल्बेनिया, क्योंकि अल्बेनिया भी इस्लामिक कंट्री है, कोसोवो भी इस्लामिक कंट्री है। तो आप अल्बेनिया में एंड कोसोवो में खुद का कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, 15-20 लाख रुपये अगर आपके पास है, छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। फिर आप 2-3 साल रुकिए, वहाँ पर रुकिए, बिजनेस करिए, क्योंकि वो तो आने वाले 2-3 साल में सिटी उनको यूरोपियन यूनियन में आ रहा है। यूरोपियन यूनियन में आ जाएगा तो फिर आपको वीज़ा फ्री हो जाएगा, फिर आप पूरा यूरोपियन यूनियन जा सकते हो, फिर 5 साल रहोगे तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा बात है पाकिस्तान के लोगों के लिए एंड बांग्लादेश के लोगों के लिए। इंडियंस के लिए भी अच्छा है, कोसोवो गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारा एम्बेसी, आपका इंडियन एम्बेसी कोसोवो में खुली है और हमारा एम्बेसी हम इंडिया में खोलना चाहते हैं, तो ये तो चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं। इंडियन लोगों के लिए आर्मेनिया अच्छा है, जॉर्जिया अच्छा है, रशिया अच्छा है, अल्बेनिया अच्छा है, आर्मेनिया अच्छा है एंड मैसेडोनिया अच्छा है। तो इंडियन लोगों के लिए आप ये जो कंट्रीज़ बता रहा हूँ, इन कंट्रीज़ में खुद का कंपनी खोलिए, खुद का बिजनेस खोलिए। तो ये सब कंट्री में क्या होता है, मेडिसिन का काफ़ी डिमांड है, इंडियन मेडिसिन का। तो आप क्या करिए, आर्मेनिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, जॉर्जिया हो गया, देन अल्बेनिया हो गया, मैसेडोनिया हो गया, देन कोसोवो, सर्बिया, ये सब कंट्रीज बता दिया। ये सब कंट्री में आपका खुद का दुकान ले लीजिए, दुकान लेने के बाद खुद का फार्मेसी खोलिए, फार्मेसी मतलब मेडिसिन स्टोर खोलिए। फिर मेडिसिन स्टोर खोलोगे तो आपको इजीली रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा, आपका फैमिली को रेजिडेंसी वीज़ा मिल जाएगा, फिर इंडिया से आप अलग अलग कंट्री कंपनी से आप मेडिसिन इंपोर्ट करके आप वहाँ सेल कर सकते हो। और मेडिसिन बिजनेस में थोड़ा रिस्पेक्ट है, वहाँ का इमिग्रेशन, वहाँ का गवर्नमेंट आपको रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि कोई भी जाता है क्या करता है, तो कोई भी कंट्री में ग्रोसरी खोल देते हैं, ठीक है, ग्रोसरी खोल देते हैं, छोटा मोटा गारमेंट का स्टोर खोल लेते हैं, कुछ कॉफ़ी शॉप खोल लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं है और वहाँ का इमिग्रेशन डाउट करता है, ठीक है ना, कि ये खोला है वीज़ा लेके दूसरा कंट्री भाग जाएगा, तो वो रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो मेरा एडवाइस है, अगर आपको 100% रेजिडेंसी मिलना है, फैमिली को रेजिडेंसी वीज़ा दिलाना है और आगे बढ़ना है, तो इन सब देशों में आप जाके खुद का
फार्मेसी खोल लीजिए, मेडिसिन स्टोर खोल लीजिए, तो उसमें गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगा, वहाँ का गवर्नमेंट, वहाँ का इमिग्रेशन आपको ट्रस्ट करेगा क्योंकि आप मेडिसिन स्टोर खोल रहे हैं, और वहाँ का लोकल लोगों को हेल्प होगा मेडिसिन स्टोर में। तो आगे अगर आपका बिजनेस बढ़ता है तो आप वहीं रुक जाइए, अगर बिजनेस नहीं बढ़ेगा फिर वहीं से आप अप्लाई करके इटली या अदर कंट्री चले जाइए, लीगली जाइए, इलीगली मत जाइए। इलीगली में हमारा देश का, इंडिया का, लोगों का, इंडिया का सिटीजन का नाम खराब होता है, ठीक है। और अभी जो एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, जैसा कि यूरोपियन यूनियन में जितने सारे कंट्री है, जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, सब कंट्री का एडमिशन स्टार्ट होने वाला है, और आर्मेनिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्री, रशिया, ये सब कंट्री में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। दिसंबर मतलब अभी तो छुट्टी है, तो 15-20 तारीख, जनवरी 20 तारीख तक छुट्टी रहता है यूरोपियन कंट्रीज में, सेंट्रल एशियन कंट्री में, रशिया में, तो उसके बाद एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर फरवरी 10-15 तक क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको जो कंट्रीज बता दिया, आर्मेनिया, जर्जिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्री, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड रशिया, इन कंट्रीज में जाना है आपको लैंग्वेज स्टडीज़ में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज स्टडी का कम पैसा में आप जाकर लीगली लैंग्वेज पढ़ के वहीं पर सेटल हो सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, या यूरोपियन कंट्री लीगली ट्रैवल कर सकते हो, वीज़ा लेकर ट्रैवल कर सकते हो। बाकी जितने सारे शेंगेन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, जैसा कि हो गया इटली, हो गया जर्मनी, हो गया नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, यूके, जितने सारे कंट्रीज है, यहाँ पर लैंग्वेज स्टडीज़ में वीज़ा थोड़ा अप्रूवल कम मिलता है। अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट स्टडीज, मास्टर डिग्री में वीज़ा ज़्यादा अप्रूवल मिलता है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आप जर्मनी गया तो जर्मन लैंग्वेज सीखने गया, ठीक है, मिल जाती है वीज़ा। देन आपको यूके गया, आप यूके इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, फिर वो डाउट करता है, वीज़ा नहीं देता है, क्योंकि इंग्लिश तो आपका आपका देश में भी इंग्लिश है, ठीक है। इटली जाओगे, इटालियन लैंग्वेज सीखने के लिए, ठीक है, वीज़ा मिलता है। फ्रांस जाओगे तो फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए, फिनलैंड फिनिश लैंग्वेज सीखने के लिए, नॉर्वे नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखने के लिए, तो ये फिर वीज़ा मिल जाती है। तो अगर आप इन्हीं कंट्री को जाना है आपको लैंग्वेज स्टडीज़ में या अंडर ग्रेजुएट मास्टर डिग्री पढ़ने के लिए, तो मिनिमम आप 15 लाख रुपया रेडी करके रखिए, क्योंकि इन कंट्रीज़ में क्या होता है, एक करंट ब्लॉक अकाउंट खोलना पड़ता है। ब्लॉक अकाउंट में कम से कम $15,000, 15,000 यूरो, 10 से 15,000 यूरो पैसा रखना पड़ता है। जैसे कि आपने जर्मनी जाओगे, ठीक है, जर्मनी का यूनिवर्सिटी का जो फीस अलग है वो तो आपको अलग देना पड़ेगा, बट जो खर्चा है आपका पर मंथ जो खर्चा है, एग्जाम्पल आपका खर्चा है पर महीना अप्रोक्सीमेटली होता है 1,000 यूरो खर्चा होगा जर्मनी में, अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो 1,000 यूरो खर्चा होगा, ठीक है। तो आपको 12,000 यूरो रेडी करना है, तो ये पैसा को क्या करना, ब्लॉक अकाउंट खोला जाएगा, तो आपको वहाँ का यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करेगा, जर्मनी में आपका नाम पे वहाँ पर एक बैंक अकाउंट में अकाउंट खोला जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, नेपाल, श्रीलंका, सब जगह में है। आप इंडिया में जैसे कि हो गया, आपका इंडिया में ICICI बैंक है, इंडिया में आप जा सकते हो, एक्सिस बैंक है, वहाँ पर जाकर बोलना है, तो बांग्लादेश में, पाकिस्तान, नेपाल में मुझे मालूम नहीं कौन सा बैंक उनका है, तो आपको बैंक में जाकर बोलना है मुझे जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट खोलना है, तो आप एक्सिस बैंक जाइए, ICICI बैंक में जाइए, या HDFC बैंक में जाइए, आप जाकर बोलिए कि मैं जर्मनी जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, मुझे ब्लॉक अकाउंट चाहिए। तो फिर क्या करते हैं, आपका फर्स्ट उसी बैंक में अकाउंट खोला जाएगा इंडिया में, अगर आपका अकाउंट नहीं है खोला जाएगा, फिर उस बैंक जैसे कि HDFC बैंक है या ICICI बैंक है, तो ICICI बैंक जर्मनी में कोई बैंक के साथ टाई अप रहता है, तो फिर वहाँ पर वो आपका डॉक्यूमेंट भेजते हैं, फिर ICICI बैंक आपको हेल्प करेगा जर्मनी में कोई बैंक में ब्लॉक अकाउंट खोलने के लिए आपका नाम पे। फिर अकाउंट खुल जाता है, अकाउंट खोलने के बाद उस अकाउंट में आपका ICICI बैंक के द्वारा 12,000 यूरो ट्रांसफ़र करोगे टू जर्मनी, फिर आपका जर्मनी अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। डिपॉजिट होने के बाद वहाँ से चेकबुक, ATM कार्ड आ जाता है आपका घर पे, फिर आप वो रखोगे, फिर उसके बाद एम्बेसी यूनिवर्सिटी जो इनविटेशन वगैरह भेजता है, आपका इनविटेशन डॉक्यूमेंट, ऑल द इनविटेशन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, देन आपका पासपोर्ट कॉपीज एंड आपका ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, देन आपका जो बैंक अकाउंट जर्मनी का, ये पूरा डिटेल्स लेकर आपको जर्मन एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपको वीज़ा मिलेगा, फिर आप जर्मनी जाइए, जर्मनी में हर महीना में 1,000 यूरो आपको ATM से निकाल सकते हो, पूरा 12,000 यूरो नहीं निकाल सकते हो, एक महीना में 1,000 खर्चा है, 1,000 यूरो आपने फरवरी में पहुंचा, फरवरी में आपने 1,000 यूरो निकला, मार्च में 1,000 निकाला,
जून जुलाई अगस्त हर महीना आपको 1,000 यूरो आपको निकालना है, ऐसा आपको निकालना है। पूरा साल ख़त्म होने के बाद जो पैसा बच जाता है फिर पैसा आपको मिल जाएगा, फिर आप इंडिया आ सकते हो या वहीं वीज़ा नौकरी कर सकते हो, जो भी कुछ करना है। लेकिन आपको ब्लॉक अकाउंट में पैसा जाता है। अगर आप एक ब्लॉक अकाउंट आपके पास है, आपने 15-20 लाख रुपये आपके पास है, फिर लीगली आप यूरोपियन यूनियन जा सकते हो लैंग्वेज वीज़ा में या अंडर ग्रेजुएट स्टडी में जा सकते हो। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट स्टडी में आपको ज़्यादा पैसा आएगा, 25-30 हज़ार यूरो एक साल का फीस आएगा प्लस आपका खर्चा है, तो आपको 40-50 हज़ार यूरो खर्चा हो जाएगा। लैंग्वेज वीज़ा में कम पैसा खर्चा आता है, 15 लाख तक खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपके पास 15 लाख तक खर्चा करने का पैसा है, 15 लाख 20 लाख, तो यूरोपियन यूनियन में वीज़ा लैंग्वेज स्टडी में जा सकते हो। ठीक है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट मास्टर डिग्री करने को जाते हो तो आपको 25,000 से लेकर 50,000 यूरो पर ईयर पूरा कोर्स का कॉस्ट आ जाएगा यूरोपियन यूनियन में। तो टोटल कॉस्ट आपको बता दिया, यूरोप में जाने के लिए आपको क्या क्या कॉस्ट आएगा। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, कम पैसा है, आपके पास 7-8 लाख रुपया खर्चा करने को है, 8 लाख रुपया खर्चा करने को है, तो आप आर्मेनिया जाइए, जॉर्जिया जाइए, रशिया जाइए, अल्बेनिया जाइए, कोसोवो जाइए, सर्बिया जाइए। तो आजकल अल्बेनिया, कोसोवो एंड आपका जो सर्बिया, मैसेडोनिया, ये जो कंट्रीज है, इनका 101% मिलने वाला है यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप। इसलिए एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, मिडिल ईस्ट कंट्री से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन कंट्री में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़्यादा इजीली नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मेरा पुराना वीडियो देखोगे जो मैंने यूक्रेन के ऊपर बनाया था 2 साल पहले, जब यूक्रेन का वॉर नहीं हुआ था, तो यूक्रेन ज़्यादा लोग पढ़ने जाते थे, यूक्रेन ज्वाइन करेगा यूरो में या यूरोपियन यूनियन में, लेकिन वॉर स्टार्ट हो गया, फिर भी यूक्रेन एक मेंबर है, मतलब अप्लाइड मेंबर है, मेंबर के लिए अप्लाई किया है, तो हो सकता है 2030 तक यूक्रेन को मिल जाएगा यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप। तो 2030 तक ऐसा एस्टिमेट किया जाता है यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया। अगर आर्मेनिया मेंबरशिप लेने के लिए जाता है, फिर रशिया का अगर ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर आर्मेनिया ले सकता है। तो 2000 आर्मेनिया अभी तक मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया है, लेकिन आर्मेनिया ट्राई कर रहा है मेंबरशिप के लिए यूरोपियन यूनियन का। लेकिन जॉर्जिया, मोल्डोवा एंड आपका यूक्रेन, ये ऑलरेडी मेंबर है, अप्लाइड मेंबर है, तो उनको 2030 तक मिल जाएगा यूरोपियन यूनियन का। 2025-26 तक आपको अल्बानिया, कोसोवो एंड मैसेडोनिया, सर्बिया, 4 कंट्री को मिल जाएगा। 2030 तक आर्मेनिया अगर अप्लाई कर दे तो आर्मेनिया को मिल जाएगा। आर्मेनिया को देने के लिए, मेंबरशिप देने के लिए यूरोपियन यूनियन रेडी है, लेकिन आर्मेनिया रशिया को डरता है, रशिया गुस्सा हो जाएगा आर्मेनिया के ऊपर और कुछ उसके ऊपर एक्शन लेगा, इसलिए आर्मेनिया डर के एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यूरोपियन मेंबरशिप। तो ये जो डिटेल्स मैं बता दिया, तो मेरा वीडियोज आप देख कर आप उस हिसाब से फॉलो करिए। रशिया बेस्ट है, क्योंकि रशिया वॉर के वजह से कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, लेकिन वॉर भी जल्द ख़त्म होने वाला है। तो अगर आप रशिया में जाना चाहते हो, रशिया में पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, रशिया में नौकरी, जॉब्स बहुत है, नौकरी मिल जाएगा, फिर रशिया से फिर आप यूरोपियन यूनियन लीगली जा सकते हो इन द फ्यूचर। तो एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्री, ईस्ट यूरोपियन कंट्री, आर्मेनिया वगैरह। अगर आपको पढ़ाई करना है एनी कंट्री में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारा कंपनी आपको मदद करेगा इन कंट्रीज में स्टडी वीज़ा में जाने के लिए। क्यों, हमारा कंपनी जो भी काम करता है लीगली काम करता है, स्टडी वीज़ा का काम करता है, इमिग्रेशन का काम करते हैं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं, हम लोग कोई इलीगल काम नहीं करते हैं। तो मेरा जितने सारे वीडियोज़ में मैं आपको एडवाइसेस देता हूँ कैसे आप लीगली एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाकर आप वहाँ पर लीगली सेटल हो सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा वेबसाइट ujob.com पढ़कर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।